अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी अंसार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर बैंकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस बॉन्ड 1500 रुपीस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कौन से प्राइजेज ऑफर किए जाते हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में क्या शेड्यूल है। तीसरा, मैं आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो प्राइस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1500 रुपीज़ वाले प्राइस बॉन्ड में आपको क्या प्राइजेस ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मेगा जो प्राइस है कैश की सूरत में, वो 30 लाख रुपए का है जो 1500 रुपीस वाले प्राइस बॉन्ड पर आपको ऑफर किया जाता है। और ये एक विनर को दिया जाता है जिसका नंबर लकी ड्रॉ में निकलता है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा इनाम ऑफर किया जाता है वो 1 मिलियन का है, 10 लाख का है, और ये 3 खुश नसीबों को दिया जाता है। तीसरे नंबर पर जो प्राइस कैश की सूरत में मिलता है इन्वेस्टर को, वो 18,500 रुपए का है और ये 1,696 खुश नसीबों को दिया जाता है। तो 1500 रुपीस वाले प्राइस बॉन्ड का साल में 4 दफा लकी ड्रा मुनक्किद होता है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में, और उनकी डेट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। आप अपने शहर की मुनासबत से अपने CNSE के साथ स्टेट बैंक के ऑफिस का विजिट कर सकते हैं और लकी ड्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जिनका जानना हर प्राइस बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इनाम पर टैक्स कितना लगता है? तो अगर आप फाइलर हैं तो 15% प्राइस मनी का आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% प्राइस मनी का टैक्स की सूरत में लगेगा। इस गवर्नमेंट ने टैक्स को डबल कर दिया है। इससे पहले 25% नॉन फाइलर के लिए था और 15% फाइलर के लिए था। प्राइस बॉन्ड किस मालियत में ख़रीदे जा सकते हैं? ये 100 रुपये का, 200 रुपये का, 750 का, 1500 का, 7500 का, 15000 का, 25000 का और 40000 का प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आप ख़रीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन से प्राइस बॉन्ड पर इनाम मिलेगा? ऐसा प्राइस बॉन्ड जो आपने ड्रा से 60 दिन पहले ख़रीदा हो, उस पर आपको इनाम मिलेगा। अगर आपने 60 दिन के अंदर ख़रीदा है जबकि ये सेल भी बंद हो जाती है, तो वो ड्रा में शामिल तसव्वुर नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक और नेशनल सेविंग सेंटर इसकी सेल बंद कर देते हैं। एक प्राइस बॉन्ड कितने अरसे तक कार आमद होता है? बहुत से लोग मेरी वीडियोस पर ये क्वेश्चन भी करते हैं। जब तक स्कीम ख़त्म नहीं होती, वो प्राइस बॉन्ड अगर आपके पास है तो वो वैलिड है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको कैश भी करा सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी स्टेट बैंक, नेशनल सेविंग या कमर्शियल बैंक की ब्रांच से, या फिर उस पर अगर इनाम निकलता है तो वो भी आप लेने के हकदार तसव्वुर किए जाते हैं। इनाम निकल आया आपका, तो आपके पास कितना ड्यूरेशन है, कितना अरसा है जिसमें आप इनाम क्लेम कर सकते हैं? ड्रा के बाद 3 दिन से लेकर 6 साल तक आप अपनी इनामी रकम को क्लेम कर सकते हैं। 6 साल के बाद आप उसको क्लेम करने के हकदार नहीं होंगे। ड्रा के फौरन अगले दिन भी आप क्लेम नहीं कर सकते। कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है बैंक्स को। तो 3 दिन के बाद से 6 साल तक आप ये क्लेम कर सकते हैं। शर्ट पीरियड का क्या मतलब है? ड्रा से 60 दिन पहले का अरसा शर्ट पीरियड कहलाता है, और जिस प्राइस बॉन्ड का ये शर्ट पीरियड होता है, सिर्फ उसकी सेल स्टेट बैंक और नेशनल सेविंग सेंटर या ऑथराइज बैंक रोक देते हैं। बाकी बॉन्ड्स की सेल परचेज होती रहती है। जिसका ड्रा होने वाला होता है, 2 महीने पहले उसकी सेल बंद कर दी जाती है। इस पीरियड को शर्ट पीरियड कहते हैं, और स्पेसिफिकली उस प्राइस बॉन्ड के लिए जिसका ड्रा मुनक्किद होने वाला होता है। 60 दिन रहते हैं। लाइक 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की 2 जनवरी यानी कल अगर उसकी ड्रा मुनक्किद होना है, तो आपने अक्टूबर में परचेज़ किया होगा तो वही ड्रा में शामिल होगा। लेकिन आप ओपन मार्केट में किसी भी वक्त ये परचेज़ कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में फिर ये इनकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि ड्रा करीब आ रहा होता है, और हर प्राइस बॉन्ड का साल में 4 दफ़ा ड्रा मुनक्किद किया जाता है। यानी आपको एक प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट 4 दफ़ा प्राइस विन करने के मौके मिलते हैं। आम प्राइस बॉन्ड और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में क्या फ़र्क है? आम प्राइस बॉन्ड बेरर इंस्ट्रूमेंट है। बेरर का मतलब ये है कि जैसे
करेंसी है जैसे कैश है, वो जिसके हाथ में होता है वही उसका मालिक होता है, इसको बेरर कहते हैं। प्राइस बॉन्ड भी, आम प्राइस बॉन्ड भी बेरर इंस्ट्रूमेंट है, वो जिसके हाथ में है वही उसका मालिक है। अगर उस इनाम प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट इनाम निकल आया तो वही उसका इनाम हासिल करने का हकदार समझा जाएगा। जबकि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में ऐसा नहीं है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपके CNIC के अगेंस्ट आपको सेल किया जाता है और आपका बैंक अकाउंट भी उसके साथ लिंक होता है। जो इनाम उस पर मिलता है वो आपको कैश की सूरत में नहीं मिलता बल्कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। इसके अलावा प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो 40,000 रुपये का है, और जो पहला अनरजिस्टर्ड 40,000 का प्राइस बॉन्ड था उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और उसको अगर आप आपके पास मौजूद है आप उसको वापस करना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2020 की लास्ट डेट है, उस डेट तक आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं। तो 40,000 वाला गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड अब उसकी ड्रा मुनक्किद नहीं हो रही, वो नल एंड वाइड है, लेकिन उसको आप 31 मार्च 2020 तक रिप्लेस करा सकते हैं, इन कैश नहीं करा सकते। तो जो गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड था वो बंद हो गया है, और इसके अगेंस्ट प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 40,000 का लॉन्च किया जा चुका है, वो आप अपने नाम पर ख़रीद सकते हैं। प्राइस बॉन्ड कहाँ से ख़रीदा जा सकता है? शॉर्ट पीरियड से पहले आप स्टेट बैंक, नेशनल सेविंग और कमर्शियल बैंक से प्राइस बॉन्ड ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो आपको स्टेट बैंक या नेशनल सेविंग से ख़रीद सकते हैं। और जो ओपन मार्केट की बात है वो किसी भी वक्त आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको वो थोड़ी ज़्यादा कीमत में मिले। ड्रा डेट और रिजल्ट्स का आपको कैसे पता चलेगा? ड्रा डेट का मतलब ये है कि जब लकी ड्रा मुनक्किद होता है तो आप अपने प्राइस बॉन्ड का कैसे दे सकते हैं, या फिर रिजल्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं? तो www.savings.gov.pk वेबसाइट पर जाकर आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप बैक डेट्स का भी रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाता है। प्राइस जीतने की सूरत में इनामी रकम कहाँ से हासिल करें? 1,250 रुपये तक आप नेशनल सेविंग सेंटर या ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक से कैश की सूरत में रकम ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर अगर आपका इनाम निकला है तो आप स्टेट बैंक से क्लेम करेंगे। क्लेम फॉर्म आपको नेशनल सेविंग की वेबसाइट या स्टेट बैंक की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, या आप नेशनल सेविंग सेंटर या स्टेट बैंक का विज़िट करेंगे वहाँ से फिज़िकली भी आपको मिल सकता है, तो उस पर आप क्लेम करेंगे और फिर आपको रकम मिलेगी। क्या ड्रा साफ शफाफ अंदाज में मुनक्किद किया जाता है? बहुत से लोगों को ये डाउट है कि प्राइस बॉन्ड आम बंदे का नहीं निकलता बल्कि ख़ास लोगों का निकलता है, तो ऐसी बात नहीं है। ड्रा बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है और जनरल पब्लिक की मौजूदगी में ड्रा मुनक्किद किया जाता है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैनुअल मशीन में ये लकी ड्रा पर्चियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनसे पर्चियाँ उठवाई जाती हैं आपकी मौजूदगी में, और जो लोग विनर होते हैं उनकी अनाउंसमेंट भी मौके पर की जाती है। इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि ये ड्रा साफ शफाफ नहीं होता। प्राइस बॉन्ड को कैसे कैश कराया जा सकता है? आप किसी भी वक्त अपने प्राइस बॉन्ड को कैश करा सकते हैं, उसके लिए आपको स्टेट बैंक, नेशनल सेविंग सेंटर या कमर्शियल बैंक की किसी भी ब्रांच के पास आप चले जाएं और काउंटर पर अपना प्राइस बॉन्ड प्रेजेंट करें तो उसके अगेंस्ट आपको उतनी ही मालियत के नोट मिल जाएंगे, पाकिस्तानी रुपी आपको मिल जाएंगे, और आप किसी भी वक्त प्राइस बॉन्ड को कैश करा सकते हैं। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है और आप इसको इन कैश किसी भी सूरत में फौरी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ये, किसी भी वक्त आप इसको कैश करा सकते हैं। एक और डाउट ये कि प्राइस बॉन्ड के छोटे इन्वेस्टर का इनाम क्यों नहीं निकलता? हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स का इनाम ही क्यों निकलता है? तो ऐसा है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्राइस बॉन्ड परचेज़ किए होते हैं और उनके पास सीरीज़ में प्राइस बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्राइस निकलने के। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन में से उन्होंने एक बॉन्ड लिया हुआ है तो उनके चांसेस कम होंगे। एक और बंदा जिसने 1 मिलियन में से 1 लाख बॉन्ड परचेज किए हुए हैं उसके चांसेस कहीं ज़्यादा होंगे। लिहाजा
हर बॉन्ड लकी ड्रॉ में तो मौजूद होती है उसकी पर्ची, लेकिन उसके हर प्राइज बॉन्ड के चांसेस इक्वल होते हैं। जिसके पास 1 लाख है तो उसके पास उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, जिसके पास एक जस्ट प्राइज बॉन्ड है उसका उतना ही चांस होगा विन करने का। क्या प्राइज बॉन्ड को जीतने का कोई यकीनी तरीका है, कोई ऐसा तरीका जिससे इंश्योर हो सके कि प्राइज बॉन्ड पर लाजमी तौर पर इनाम निकलेगा? तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, सारे तरीके झूठ पर मबनी है, सिर्फ आपको एल्योर करने के लिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और हर प्राइज बॉन्ड का एक चांस होता है, मगर किसी यकीनी जीत का कोई नहीं कह सकता। तो ये वीडियो थी 1500 रुपीज़ वाले प्राइज बॉन्ड के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।